अब खबर है भद्रावती से। कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के बीच नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर ने दी राहत की खबर, विशेष सभा में किया आश्वस्त। क्या है यह खबर, चलिए इस पर डालते हैं एक नजर। पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीन के अतिक्रमण धारकों को अधिकार के आवास दिलाने की पहल भद्रावती नगर परिषद ने की है। भद्रावती नगर परिषद के अध्यक्ष अनिल धानोरकर ने विशेष सभा में बताया है कि शीघ्र ही अतिक्रमण धारकों को अधिकार के आवास दिए जाएंगे। भद्रावती के गौराला स्थित प्रभाग क्रमांक 12 में चुटकी बहुउद्देशीय संस्था में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था। इस समय नियोजन सभापति चंदू खारकर, पार्षद प्रतिभा निमकर, सामाजिक कार्यकर्ता लिमेश मानुसमारे, राहुल सोनटक्के आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भद्रावती शहर में कुछ लोगों द्वारा पालिका की नीति को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है, इस पर विशेष सभा में चिंता जताई गई। साथ ही नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि इन अफवाहों से बचना चाहिए। सरकार ने पट्टे वितरण की नीति स्पष्ट करते हुए 17 सितंबर 2018 को एक स्वयं स्पष्ट अध्यादेश जारी किया है। इस बीच पालिका ने स्वयं लाभार्थी नागरिकों की सूचना जुटाना शुरू कर दिया है, जिससे नागरिकों के आवास का सपना शीघ्र पूरा होगा। इस पर भद्रावती के नगराध्यक्ष अनिल जानोरकर ने क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। 2018 मध्ये शासनाने निर्णय घेतला की 2011 अगोदरचे जे अतिक्रमण धारक आहे त्यांना पट्टे देण्याबाबत आम्ही संपूर्ण भद्रावतीमध्ये जे काही अतिक्रमण धारक आहे त्या ठिकाणी मीटिंग घेत आहे, त्यांना माहिती देत आहे, त्या सर्वांनी फॉर्म भरून नगरपालिकेमध्ये द्यायचा आहे। त्यामध्ये 2011 अगोदरचा पुरावा आणि चालू घर टॅक्स पावती, सोबतच आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो आणि जात प्रमाणपत्र एवढे जोडून त्यांनी फॉर्म नगरपालिकेमध्ये आणून द्यायचा आहे। नगरपालिका त्यांना पट्टे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। म्हणून मी सर्व भद्रावतीवासियांना आवाहन करतो की त्यांनी आपापले जे काही अतिक्रमणधारक आहे त्यांनी येत्या 10 दिवसांमध्ये फॉर्म भरून नगरपालिकेमध्ये आणून द्यावे। धन्यवाद। भद्रावती में नगर परिषद का विकास कार्य पारदर्शी रहा है। हाल ही में स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिल्ली में दिया गया था। नागरिकों के अधिकार के आवास की दिशा में पालिका द्वारा उठाए गए कदम की सराहना हो रही है। भद्रावती से हमारे विशेष संवाददाता जावेद शेख की रिपोर्ट।